इंस्टाग्राम सिर्फ एक दिन में 44 मिलियन ब्लूटिक सेल कर चुका है, जिसका टोटल रेवेन्यू 660 मिलियन डॉलर है, जो कि इंडियन करेंसी में कुछ इतना रुपया होता है, जो कि आप यहां पे पढ़ सकते हो। और अब ये फीचर इंडिया में भी आ चुका है, मतलब कि इंडिया में भी आप पैसे देकर ब्लूटिक बाय कर सकते हो। तो अगर आप भी बाय करना चाहते हो तो इस वीडियो को जरूर से लास्ट तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को पूरा डिटेल में बताने वाला हूं कि क्या आप लोगों को इंस्टाग्राम ब्लूटिक बाय करना चाहिए या फिर नहीं। सबसे पहले बात करते हैं इंस्टाग्राम वेरिफिकेशन का, आखिरकार बेनिफिट क्या है। इंस्टाग्राम पेड वेरिफिकेशन का सबसे पहला जो बेनिफिट मुझे लगता है वो है इंक्रीज रीच, मतलब कि रीच बढ़ाना। कैसे करके, चलो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। इंस्टाग्राम में जब आप अपना नाम सर्च करते हो या फिर आपका नाम कोई भी सर्च करता है तो उस नाम को और भी बहुत कोई आ जाता है, लेकिन अगर आप अपने प्रोफाइल में वेरिफिकेशन बैच ले लेते हो पैसा पे करके, तो इससे हो सकता है कि इंस्टाग्राम का जो भी एल्गोरिदम है वो आने वाले टाइम में क्या होगा कि अगर आपका नाम कोई सर्च करता है ना, तो आपके नाम पे क्योंकि ब्लू टिक है जिसकी वजह से उसका जो भी एल्गोरिदम है वो हो सकता है आपका प्रोफाइल को सबसे पहले प्रेफरेंस दे, यानी कि ब्लू टिक होने की वजह से आपका जो भी नाम है उसे सबसे पहले रैंकिंग में लाए, जिससे क्या होगा कि आपका जो भी अकाउंट है उसका रीच बढ़ेगा, उस पर ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे, चाहे वो किसी को भी सर्च करे तो आपका प्रोफाइल में ब्लू टिक होने की वजह से आपका नाम जो है वो सबसे पहले आ सकता है। दूसरा बेनिफिट मुझे ये लगता है कि इससे आपका जो भी विजिबिलिटी है आपका प्रोफाइल का वो बढ़ेगा, मतलब कि अगर आप कोई भी पोस्ट डालोगे तो यहां पे क्या होता है कि जब भी हम इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालते हैं या फिर किसी का पोस्ट देखते हैं तो हम लगातार स्क्रॉल करते हैं, जो भी प्रोफाइल मेरे को अच्छा लगता है, मतलब हमें अच्छा लगता है, उस पर लाइक करते हैं या फिर उस प्रोफाइल पे विजिट करते हैं। लेकिन एक चीज आप भी नोटिस करे होंगे कि जब भी हम लोग कोई भी इंस्टाग्राम में मतलब कुछ भी देख रहे होंगे, कुछ भी स्क्रॉल कर रहे हैं, लेकिन अचानक जब भी कोई भी ब्लू टिक वाला प्रोफाइल आ जाता है तो वहां पे हम लोग थोड़ी देर के लिए जरूर से रुकते हैं, उस वाले मतलब पोस्ट को देखते हैं अच्छे तरीके से, हो सके तो उस वाले प्रोफाइल में भी विजिट करते हैं। तो ब्लू टिक होने की वजह से आपका जो प्रोफाइल का विजिबिलिटी है, जो भी पोस्ट वगैरह होगा आपके प्रोफाइल से, वो कुछ अच्छे तरीके से विजिबल होगा, जिससे कि आपके अकाउंट में ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो रीच करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग आपके प्रोफाइल में पहुंचेंगे। तीसरा बेनिफिट जो कि मुझे लगता है बिजनेसेस को लेकर हो सकता है, तो बहुत कोई नया नया बिजनेस स्टार्ट करता है और बिजनेस प्रोफाइल भी इंस्टाग्राम पे पेज वगैरह क्रिएट करता है, तो वहां पे क्या हो जाता है कि उनके पेज पे ब्लू टिक ना होने की वजह से थोड़ा सा ट्रस्ट इशू होता है। तो अगर इस पेड वेरिफिकेशन के बाद अगर बिजनेस प्रोफाइल जो भी होता है उन्हें भी अगर ब्लू टिक मिलने स्टार्ट हो जाए, तो इससे क्या होगा कि आपका जो भी बिजनेस होगा, बिजनेस पेज होगा, उस पर एक ट्रस्ट बिल्ड होगा, जिससे कि आपका जो भी सर्विस है या फिर जो भी आप प्रोवाइड करा रहे हो उन्हें ज्यादा से ज्यादा लोग लेंगे या फिर ज्यादा से ज्यादा लोग उन्हें बाय करेंगे। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं अगर पेड वेरिफिकेशन से इंस्टाग्राम में जो भी बिजनेस पेज होता है वो भी अगर वेरीफाइड हो जाता है तो इससे काफी ज्यादा हेल्प होगा जो भी बिजनेसेस को ग्रो करना चाहते हैं इंस्टाग्राम की मदद से, क्योंकि इससे एक ट्रस्ट बिल्ड होगा लोगों के बीच में। अब बात करते हैं कि इंस्टाग्राम में पेड वेरिफिकेशन के लिए कौन एलिजिबल है और कौन नहीं। तो देखो, अगर आप इंस्टाग्राम में पेड वेरिफिकेशन कराना चाहते हो अपने प्रोफाइल का, तो इसके लिए बस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इतना है कि आपका जो भी एज है वो 18 होना चाहिए या फिर 18 प्लस होना चाहिए, तब आप इस पेड वेरिफिकेशन के लिए एलिजिबल हो। इसके अलावा आप लोगों को क्या करना है कि ये जो भी फीचर है ये फिलहाल सभी के लिए रोल आउट नहीं हुआ है, तो आप लोगों को क्या करना है, इंस्टाग्राम का प्रोफाइल ओपन कर लेना है। इसके अलावा वहां पे आप लोगों को साइड में तीन लाइन देखने को मिलता है, वहां पे क्लिक करना, उसके बाद सेटिंग में जाना, उसके बाद अकाउंट में जाना, इसके बाद आप लोगों को नीचे साइड में मेटा वेरीफाइड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो यहां पे क्लिक करके आप अपने अकाउंट के लिए पेड वेरिफिकेशन जो है वो करा सकते हो, जहां पे आप लोगों को सबसे पहले तो पैसा पे करना पड़ेगा, और पैसा पे करने के बाद आप लोगों को आपका एक गवर्नमेंट इशूड जो भी आईडी होता है उसे अपलोड करना पड़ेगा, लाइव अपलोड करना पड़ेगा, उसके बाद आप लोगों को अपना एक सेल्फी अपलोड करना पड़ेगा, मतलब कि सेल्फी को आड़ा टेढ़ा करके जैसा फेस लॉक लगाते हैं ना, उस तरीके से आपका फेस का वेरिफिकेशन देना पड़ेगा। उसके बाद सारा वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाने के बाद 24 से 48 घंटे के अंदर आपका जो भी प्रोफाइल है उस पे ब्लू टिक आ जाएगा। अब बात करते हैं कि इंस्टाग्राम पेड वेरिफिकेशन का जो भी कॉस्ट है वो आखिरकार इंडिया में कितना है। तो देखो, इंस्टाग्राम में जो भी पेड वेरिफिकेशन है इसका जो भी कॉस्ट है वो कंट्री टू कंट्री जो है वो वेरी करता है, लेकिन ये वीडियो मोस्टली इंडिया के यूजर देख रहे हैं, तो इंडिया में जो भी इसका कॉस्ट है ना वो 699 रुपीस है, 699 रुपए आप लोगों को पर मंथ पे करना पड़ेगा एंड्रॉइड और iOS के लिए। तो अगर आप 699 रुपए हर महीना खर्चा करने के लिए तैयार हो, पेड करने के लिए तैयार हो, तो आप लोगों को हमेशा हर महीना पेड वेरिफिकेशन आपके प्रोफाइल में देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि इंस्टाग्राम प्रोफाइल में आखिरकार पेड ब्लू टिक कैसे लें। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये जो भी फीचर है ये हो सकता है इंडिया में भी सारे प्रोफाइल में आप लोगों को शो नहीं करेगा, तो इससे सबसे पहले तो आप लोगों को चेक करना है कि आपके अकाउंट में जो भी मेटा वेरीफाइड वाला ऑप्शन है वो इनेबल हुआ है कि नहीं। तो इसे चेक करने के लिए सबसे पहले तो आप लोगों को अपना इंस्टाग्राम खोल लेना है, उसके बाद साइड में आप लोगों को तीन लाइन देखने को मिलता है, यहां पे क्लिक करना, फिर सेटिंग में, फिर अकाउंट में क्लिक करना है, और नीचे आप
आप लोगों को मेटा वेरीफाइड का ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहाँ पे क्लिक करके आप अपने प्रोफाइल के लिए पेड वेरिफिकेशन ले सकते हो, जहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले पैसा पे करना है, उसके बाद गवर्नमेंट इशूड आईडी आपको अपलोड करना पड़ेगा, उसके बाद सेल्फी अपलोड करना पड़ेगा, उसके बाद आपका जो भी अकाउंट है उसका वेरिफिकेशन हो जाएगा। इसके अलावा दूसरा मेथड क्या है वो भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, किस तरीके से आप दूसरे मेथड में पीसी के थ्रू अपना जो भी इंस्टाग्राम प्रोफाइल है उसे वेरीफाइड कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप लोगों को गूगल ओपन कर लेना है, उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे गूगल पे मेटा वेरीफाइड वेबसाइट सर्च करना है, उसके बाद पहला वाला जो वेबसाइट आप लोगों के सामने आएगा उस पर क्लिक करना, उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे इंस्टाग्राम सेलेक्ट कर लेना है। इंस्टाग्राम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को प्रोफाइल सेक्शन देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पे आप लोगों का अगर प्रोफाइल शो कर रहा है तो यहाँ पे उस वाले प्रोफाइल पे क्लिक करना, और अगर प्रोफाइल शो नहीं कर रहा है तो यहाँ पे एड अकाउंट करके यहाँ पे बस आपका जो भी इंस्टाग्राम अकाउंट होगा उसे यहाँ पे आईडी पासवर्ड डाल के लॉग इन कर लेना, और लॉग इन करने के बाद अब आप लोगों को पैसा पेमेंट करने बोलेगा 699, तो यहाँ पे पैसा पेमेंट करना, और पैसा पेमेंट करने के बाद आप लोगों को एक गवर्नमेंट इशूड आईडी अपलोड करना है, उसके बाद सेल्फी अपलोड करना है, उसके बाद 24 से 48 घंटे के अंदर आपका जो भी इंस्टाग्राम अकाउंट है उस पे ब्लू टिक आ जाएगा। अब बात करते हैं कि इंस्टाग्राम में अगर आप पेड वेरिफिकेशन ले लेते हो उसके बाद कैंसिल कर देते हो तो क्या होगा। तो अगर आप पेड वेरिफिकेशन ले लेते हो उसके बाद कैंसिल करते हो तो आपका जो भी प्रोफाइल है उससे आपका जो भी ब्लू टिक है वो भी हट जाएगा कैंसिल करते ही। इसके अलावा आपने जो भी पैसा पेमेंट करा है वो आपका रिफंड नहीं आएगा, वो जो भी अमाउंट होता है वो नॉन रिफंडेबल होता है, तो आपका जो भी पैसा है वो चला जाएगा, वो रिफंड नहीं आने वाला। तो इस बात का ध्यान रखना कि अगर आप कैंसिल करते हो तो आपका जो भी प्रोफाइल है उससे जो भी वेरिफिकेशन बैच है टिक है जो भी ब्लू कलर का वो हट जाएगा। अब बात करते हैं कि इंस्टाग्राम का पेड वेरिफिकेशन किस तरीके से ट्रेडिशनल वेरिफिकेशन प्रोसेस से अलग है। तो इंस्टाग्राम का जो भी फिलहाल पेड वेरिफिकेशन आया है इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बस इतना है कि आपका एज जो है वो 18 प्लस होना चाहिए, इसके बाद आपका जो भी प्रोफाइल है वो आप वेरीफाइड करा सकते हो पैसा देकर। इसको लेकर बस आप लोगों को 699 रुपीस पे करना है, उसके बाद आपका जो भी इंस्टाग्राम प्रोफाइल है उस पे ब्लू टिक लग जाएगा। लेकिन पहले का जो ट्रेडिशनल प्रोसेस था उसमें काफ़ी ज़्यादा लेंथी प्रोसेस था, उसमें क्या होता था कि आपका जो भी प्रोफाइल है आप जो भी मतलब उस प्रोफाइल का जो भी बंदा हो आप, आपका जो भी फेस वैल्यू है वो आपका ज़्यादा होना चाहिए, मतलब कि आप एक वैल्यूएबल इंसान होने चाहिए, आपका जो भी फेस वैल्यू है वो क्रिएट होना चाहिए, सोशल मीडिया में आपको बहुत सारे लोग जानने चाहिए। इसके अलावा आपका जो भी नाम है वो नाम अगर गूगल में सर्च करा जाए तो आपके नाम पे बहुत सारा आर्टिकल होना चाहिए, तभी जाके आप लोगों को इंस्टाग्राम में ब्लू टिक मिलता था। तो पहले मतलब ऐसा था कि आप लोगों को खुद को सबसे पहले तो एक बड़ा शख्सियत बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप लोगों को ब्लू टिक मिलता था। और अभी क्या है कि अभी आप बस पैसे दे दो उसके बाद आप लोगों का फॉलोवर्स भले कितना भी हो, आपका 100 फॉलोवर्स हो या फिर 150 हो 200 हो, तो आप लोगों को ब्लू टिक मिल जाएगा। अब बात करते हैं इंस्टाग्राम पेड वेरिफिकेशन को लेकर आखिरकार प्रॉब्लम क्या है। तो देखो बहुत सारे लोगों का यह कंसर्न है जो मतलब बहुत ही मेहनत करके अपना फेस वैल्यू क्रिएट करे या फिर बड़ा बड़ा सेलिब्रिटी बने, वो लोगों का ये बोलना है कि अब तो सभी लोगों को ब्लू टिक मिलने स्टार्ट हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं जो फेस वैल्यू क्रिएट करके ब्लू टिक लिए हुए थे उनके साथ थोड़ा बहुत नाइंसाफी होगा। और इसको लेकर जो भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज है वो इसको लेकर सवाल कर रहे हैं मेटा से, लेकिन मेटा वालों का ये बोलना है कि उन्होंने बहुत ही सोच समझकर इस वाले फैसले को लिया है, तो और इसका जो भी आने वाले टाइम में इसका इंपैक्ट होगा वो काफी ज्यादा पॉजिटिव होगा इनके प्लेटफॉर्म में इंस्टाग्राम में। लेकिन अब ये तो आने वाले टाइम में देखा जाएगा कि आखिरकार इसका इंपैक्ट क्या होता है, ये जो भी पेड वेरिफिकेशन वाला सिस्टम लाया गया है फिलहाल इंस्टाग्राम में इसका आखिरकार इंपैक्ट क्या होगा। फिलहाल ये काफी ज्यादा मतलब जल्दी हो जाएगा इस चीज को जज करना कि आखिरकार इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा या फिर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा, ये तो भाई आने वाले टाइम में पता चलेगा। खैर इसके बारे में आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट करके जरूर से बताना, और अगर आप लोगों का इंस्टाग्राम पेड वेरिफिकेशन को लेकर कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई आप लोगों को जरूर दूंगा। फिलहाल आप इस वीडियो को लाइक कर दो, इस वीडियो को शेयर जरूर से कर देना अपने दोस्तों के पास ताकि उन्हें भी इसके बारे में डिटेल में पता चल सके। फिलहाल इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।